भारत सरकार भगवान की जय। ए बाबा आराम से। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू ट्यूटर। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, कल मैं गया था दोस्तों अपना उतई उतई में मुकेश सोनी भैया जी के पास, जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दोस्तों जाने वाले थे दोस्तों, मतलब कल के चले गए हैं। तो इसी के टॉपिक में दोस्तों हम कल गए थे, तो हम वहाँ वीडियो बनाए, नाइट होने के कारण दोस्तों हम इंट्रो नहीं शूट किए थे। तो आज हम अगले दिन घर पर आकर हम इंट्रो दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप आज के अपने इस व्लॉग वीडियो में फ्रेंड्स हम यही दिखाने वाले कि मुकेश भैया के जितने भी बड़े बड़े मूर्तियाँ जो दोस्तों कल रात चले गए हैं, तो उन्हीं का हम व्लॉग शूट किए हैं, तो उन्हीं का दिखाएंगे आज। तो बने रहिएगा दोस्तों आगे व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको मुकेश भैया जी के मूर्ति वाले पंडाल में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मुकेश भैया के पंडाल में, और ये बड़ा वाला मूर्ति शिव जी, मतलब सभी बड़े मूर्ति जाने वाले हैं। और फिलहाल तो अभी जितने लो लाइट है दोस्तों यहाँ पर, जितना कवर अप कर पाएंगे उतना करेंगे। देखते हैं वहाँ पर उठा रहे शंकर भगवान को, सामने चलते हैं थोड़ा सा, पास से दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों ये भोले बाबा जी जो कि अभी उठा रहे हैं, जैसे इनको लोडिंग करेंगे, देख सकते हो कितना जबरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है। हाइट देखो इनका, देख सकते हो काफी प्यारा लग रहा है। देखो दोस्त, धीरे धीरे घुमा रहे हैं मूर्ति को, फिर उसको नीचे स्लाइड करेंगे। पाइप लाए हुए हैं, और जो हैवी मूर्ति को बैठाते इस प्रकार का, तो ट्रॉली लाए हुए उसमें ले जाएंगे। देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा भाई, फेस तो देखो इनके कितना ग्लो हो रहा है। गजब, ये देखो दोस्तों काली माता बहुत गजब की लग रहा है। देखो पूरा फाइनल टचअप होने के बाद, हम उस दिन पहले वीडियो बनाए थे तो इतना वर्क नहीं होता, पूरा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अभी देख सकते हो आप, देख सकते हो भाई काफ़ी विकराल रूप में बना हो, एकदम जबरदस्त। इतना पास देखने से भाई कितना, देख सकते हो किस प्रकार बना भाई, एकदम यूनिक रियलिस्टिक वाले से की तरह दिख रहे हैं। और ये माता जो कि पूरा पैक कर दिए इसे, देख सकते हो पूरा पैक कर दिए गए हैं। और एक ये माता जी, इनको भी हम दिखाए थे उस टाइम, इनको साड़ी नहीं पहना था, साड़ी पहना दी है। इसको हम बाद में बनाएंगे दोस्तों, पहले इसको पूरा दिखाते हैं, इनका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनके बाकी सेट में ये है दोस्तों, वैसे तो इनके पूरा 18 मूर्ति हैं जो हम आपको बताए हैं। ये देखो भाई, इसके सेट में के सबसे यूनिक मूर्ति, मुझे अपना पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे यूनिक मूर्ति मुझे ये लगा है इनका सेट, जो कि इनका नाम है छिन्मस्ती का। देख सकते हैं माता, अरे देखो भाई गजब यार, देख सकते हो। आपको हम इनके बारे में पहले ही बताया था कि माता का सिर नहीं रहने वाला है, और सिर हाथ में पकड़ेगी, ठीक, हाथ में पकड़ी हुई माता रानी। और इनका जो वहाँ पर लाइटिंग होगा, यहाँ पर जो खून रहेगा ऐसे फेंका रहे फवारे इस तरह रहेगा, और आइट साइड का जो माता है ना छिन्मस्ती का, ये दोनों इनकी माता का खून पी रहे हैं, कुछ इस प्रकार बनेंगे। और एक ये देखो बजरंग बली, काफ़ी गजब के लग रहा है भाई, देखना इनका कलर देखो गजब के बना हुआ है यार। स्लाइड कर करके ला रहे हैं, पूरा पाइप्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हो गजब यार। महादेव देखो यहाँ पर ट्रॉली आया है दोस्तों, इस पर चढ़ा कर ले जाएंगे इनसे। इनका हाइट कम होता है, और ये भी दोस्तों लगभग 18 फीट है, तो इनका हाइट लगभग 3 फीट तो 20 फीट से ऊपर हो जाएगा, तो दिक्कत ना हो करके ऐसा ट्रॉली लाते हैं। और देखो इन्हें कान के बाले भाई काफी गजब के लग रहे हैं। काफी हैवी दोस्तों ले रहा है, देखो हाइट भी एकदम ज्यादा पैर थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, तो फिर से रिपेयरिंग करना पड़ेगा इसका। डॉक्टर
इसको तो पूरा फाइनल बिठा दिए हैं, खड़े हो चुके देख सकते हैं आप। अब इसके बाद देखो यहाँ से अरे पूरा। अब दोस्त इसके बाद माता रानी को लाने के पारी, इनको स्लाइड करके चढ़ाएंगे, इसे साइड में आ जाएंगे, बोल रहे यहाँ पे बैठाया जाएगा और इस पर दो मूर्ति एक साथ रहेंगी। देखो भाई कितना गजब के लग रहा भाई, महादेव पहले तो इसको झील ले बाहर कर रहे हैं, पॉलीथीन कवर है उसको निकाल रहे हैं, यहाँ पर लाए मूर्ति जबरदस्त सामने से दिखाता है माता रानी को। गजब यार देखो कितना प्यारी लग रही माता रानी, देख सकते हो भाई गजब की मूर्ति बना हुआ है यार, देख सकते हो मुकेश भैया के कमाल। यहाँ पर दोस्तों पाइप फिट कर रहे हैं, चढ़ाने स्टार्ट कर दिए। देखो दोस्तों गजब, देखो माता रानी को चढ़ाने की बारी, अब भोले बाबा चढ़ चुके हैं यहाँ पे, फिर ये जा रहे हैं इनके साथ। चलो 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 आप लोग जय बस दोस्तों फाइनली चढ़ा लिए माता रानी को, बस थोड़ा स्लाइड करना है। भोले बाबा माता पार्वती को एक साथ बिठाए हुए आराम से भाई, त्रिपाल से ढक रहे हैं, झिल्ली भी लगा रहे दोस्तों क्योंकि इस पर मौसम भी कुछ खास नहीं तो दिक्कत ना हो, और बाकी दोस्तों सेफ्टी के लिए ढक रहे हैं। देख सकते हैं आप दोनों मूर्ति को ढकेंगे, इसके बाद काली माता अब इनके बारी रहेगा, अब इनको चढ़ाया जाएगा यहाँ पर, तो इनको इनके बारी रहेगा दोस्तों ये वाला ट्रॉली में उनको चढ़ा के, तो आगे बने रहे दोस्तों आगे वीडियो में। फाइनली दोस्तों अभी इस मूर्ति के बारी है, अब इनको स्लाइड कर रहे हैं, इनको चढ़ाया जाएगा। दोस्तों लो लाइट के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है देख सकते हो आप, चलिए आगे मिलते हैं। तो देखो दोस्तों फिर स्लाइड करके यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ से ट्रॉली लाएंगे वहाँ पर, उस पर चढ़ाएंगे। देखो दोस्तों काली माता को खींच रहे हैं, खींचते हुए ले जाएंगे, चढ़ाते हुए स्लाइड करते हुए। देखो काली माता को चढ़ाया जा रहा है, नाइट में दोस्तों क्वालिटी भी खराब है। उठा के खींच रहे हो, खींचे जाएंगे पाइप को, आप खींचो यहाँ पर। देख सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि छिन्नमस्तिका माता रानी है, उनको ला रहे हैं देख सकते हो आप।
काफी गजब के लग रहा है भाई ये वाला सेट। इनकी बारी अब ऐसे में चढ़ाएंगे ऐसे बोल रहे भैया लोग। इसमें लगभग 2 से 3 मूर्ति और चढ़ेंगे एक साथ, तो देखेंगे आपको बारी बारी से दिखाएंगे हम। देखे फ्रेंड्स अभी वाला मूर्ति चढ़ाया जा रहा है, हम अभी साइड में खड़ा होकर बना रहे हैं। देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है माता रानी के जो बाल अलग सा शेर हाथ में लिए हुए हैं तो किस प्रकार हिल रहा है। और नेक्स्ट अगले वाले हाथ में तो हथियार रखेंगे क्योंकि अभी उनका वर्क वहाँ पुराना पंडाल पे चल रहे हैं, कुछ टाइम बाद वहाँ भी जाकर दिखाएंगे हम आपको। देख दोस्तों गजब के लग रहा है। टंगोगी आओ ए बाबा आराम से बज गया गाइस का झटका जबरदस्त हो गया था। पाइप से मूर्ति आगे हो गया इस वजह से थोड़ा सा। तो दोस्तों 2 मूर्तियां बट चढ़ चुके और कोशिश करके 2 मूर्ति और चढ़ जाए। छोटा वाला छोटा तो नहीं काफी वो भी बड़ा है लेकिन आज ऐसे देख रहे हैं काल भैरव और बजरंग बली जी को, तो देखते हैं। अब फ्रेंड्स भैरव बाबा की बारी है, देखते हैं भैरव बाबा है उनको चढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ ये जगह पुराना पंडाल में और अभी लाइट कैसा आ रहा है पता नहीं, तो यहाँ का मूर्ति देखते हैं। यहाँ का भी लगभग 100% वर्क हो चुका है, तो जैसे यहाँ भी ले जाएंगे अपने आगे वीडियो में। यहाँ चलते यहाँ की मूर्ति दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स है भैया का पुराना पंडाल जो कि यहाँ पर भी पूरा ये सभी उन्हीं के सेट है जो आपने पुराना वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सब बताएं हम इनके बारे में। सभी माता रानी के अलग अलग नाम है, कौन कौन से नाम है हम जब वहाँ जाएंगे ना पंडाल में तब दिखाएंगे। वैसे इनका नाम अभी पता नहीं, इनका नाम धूमावती है। देखो माता रानी मतलब ओल्ड लेडी के फेस में मतलब कुछ इस प्रकार बनी हुई है, देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इनका कुछ ज़बरदस्त बना हुआ है मंदिर को जो है तो देख सकते हो। यहाँ पर भाई अभी कलर के काम कर रही वाला माता रानी में, क्योंकि अभी जस्ट निकलेंगे सभी मूर्ति निकलना स्टार्ट हो चुके। एक ये देखो तारा माता जो कि इनका भी रूप काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। यहाँ पर शंकर भगवान जी इनके प्रसाद भी, सभी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस साइड की मूर्ति दिखाते हैं। बाकी तो हम दिखा चुके हैं, इन सभी नहीं बात करेंगे जो कि आज जाने वाले उन्हीं के बारे में बताते हैं। एक ये मूर्ति देखो पूरा 100% वर्क हो चुका है, देख सकते हो। इन पर 2 राक्षस है। माता को देखो दोस्तों बोरे की साड़ी पहनाए हुए हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई गजब यार। देखो राक्षस इनके साथ आगे चलते हैं। ये माता देखो इनका भी कलर देखो भाई गजब भाई, कुछ अलग ही निकाला देखो मुकेश जी का बनाया द्वारा फेस। आगे बढ़ते हैं और मूर्ति इनके सेट वो दिखाते हैं। ये मूर्ति जाएगा दोस्तों उसी के साथ, लगभग ये सब मूर्ति 5-5 फीट का है देख सकते हो। तो पूरा 100% वर्क हो चुका है, आँख वाँख खुल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मूर्ति देखो कमल पर विराजमान बैठी माता रानी, काफ़ी गजब लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ का मूर्ति इतना ही है। तो फ्रेंड्स आज इतना मूर्ति जाने वाले हैं जो कि हम बारी बारी की वीडियो बनाए दोस्तों। और अभी तक आज 2:30 हो चुका है और मेहनत तो दोस्तों आप लोग जान रहे भी कितना लग रहा है दोस्तों, मेहनत काफ़ी लगता है दोस्तों। इस वजह से थोड़ा सा सपोर्टिव दिखाई कह रहे दोस्तों वीडियो को लाइक करके, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे वीडियो में दोस्तों इंटरेस्ट लगते हैं आपके मित्रजन तो उनके पास शेयर करिएगा दोस्तों। तो बने रहते हैं आगे वीडियो में, चलिए मिलते हैं आगे। ये वाला गाड़ी दोस्तों आगे कर रहे हैं, यहाँ पर चढ़ाएंगे और इस पर दोस्तों देख सकते छिन मस्ती वाला मतलब ये वाला पूरा चढ़ा चुके हैं। 3 मूर्ति इस पर आए हैं देख सकते हो आप, इन पर भी 3 मूर्ति काली माता का है, दोनों काली माता हैं और भैरव बाबा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का बची खुची मूर्ति इस पर चढ़ेंगे फिर वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर बजरंग बली को चढ़ाया जा रहा है और
छिन मस्तिका को चढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों मैं इनका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ नाश्ता करने के लिए गया था दोस्तों, क्योंकि भूख लग रहा था काफ़ी तो सामने तो इस साइड से देख दोस्तों पूरा होगा, आप देख सकते हो यही बजरंगा जस्ट अभी चढ़ाए हैं। तो दोस्तों जितने भी गाड़ी लाया सभी भर चुके हैं, तीन मूर्ति इसमें आए हैं, दो मूर्ति मैन वाले इस गाड़ी में है और बाकी दो तीन मूर्ति उस पर आगे वाले गाड़ी में। तो दोस्तों आज शायद इतने ही लगेंगे, बाकियों के लिए कल आएंगे। और बाकी तीन मूर्ति ये है दोस्तों, तुम देख सकते हो।